नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। स्वागत है आपका आज की हमारी इस नई वीडियो में। दोस्तों हम हैं सूरज कुंड मेले में और महारा हरियाणा के सेट पर एक हरियाणवी एक लड़की को पगड़ी बांधते हुए यदि आप सूरजकुंड मेले में आते हैं तो आप कोशिश करें कि लकड़ी से बने आइटम ही यहां से खरीदें। और वैसे भी त्रिपुरा की इस स्टॉल पर लकड़ी से बने बहुत सारे आइटम हैं जो कि एक से बढ़कर एक हैं। और ये आपको पता ही है, लकड़ी से बने जो आइटम होते हैं वो इको फ्रेंडली होते हैं, जिनसे हमारी प्रकृति को कोई नुकसान नहीं होता है। त्रिपुरा की इस स्टॉल पर इतने आइटम हैं कि इनके नाम नहीं पता हमें और हमने पूछा भी नहीं, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे ऐसे आइटम हैं जो आपको ख़रीदने चाहिए। अब हम आ चुके हैं दूसरे स्टॉल पर। यहाँ पे भी वुडन से बने जो गमले होते हैं, पॉट होते हैं, वो हैं जिसमें हम डेकोरेटेड फ्लावर, आर्टिफिशियल फ्लावर लगा सकते हैं। और आप देख सकते हैं कितनी बारीकी से इन पर काम किया गया है, कितने सुंदर हैं। आप इनकी पेमेंट ऑनलाइन और कैश में कर सकते हैं। आर्टिफिशियल फ्लावर की वो स्टॉल है जहाँ पे आपको तरह तरह के आर्टिफिशियल फ्लावर प्लास्टिक के मिल जाएंगे। अभी हम आ चुके हैं टर्की स्टॉल पर। टर्की स्टॉल पर आपको ग्लास से बने क्राफ्ट ही देखने को मिलेंगे। ग्लास से बने ये क्राफ्ट बहुत ज़्यादा सुंदर हैं और इनकी रौनक आपको रात को ही देखने को मिलेगी। दोस्तों इसे 954 नंबर इस स्टॉल को मिला है टर्की वालों को। अब हम आ चुके हैं महारा हरियाणा के सेट पर, जहाँ पे आपको एक माचा देखने को मिलेगा और एक बड़ा सा हुक्का देखने को मिलेगा। माचा इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये साइज में काफ़ी बड़ा होता है, इससे छोटा जो होता है उसे खाट बोलते हैं। जो भी पर्यटक यहाँ से गुजरता है वो माचे पे बैठ के सेल्फी जरूर लेता है और हुक्के के साथ भी, यहाँ तक तव के साथ भी सेल्फी ली जा रही है। और उसी के साइड में आप देख सकते हैं सूरजकुंड मेले का जो आनंद है वो शाम को ही मिलता है, क्योंकि शाम को 6 बजे गेट नंबर 1 से बहुत बड़ी झांकी निकलती है। यदि आप सूरजकुंड मेले में आने से चूक गए हैं या आपका आने का प्लान आगे का भी नहीं है तो आप इस झांकी में वो सभी झांकियां देख सकते हैं जो सूरजकुंड मेले में प्रत्येक इवनिंग निकाली जाती हैं। इसमें सब
इन झांकियों की लास्ट में आपको शाम को 7 बजे के आसपास देखने को मिलेगा कंसर्ट, जिसमें प्रत्येक रोज नए नए कलाकार आते हैं और अपनी कलाकारी से, अपने संगीत से लोगों का मनोरंजन करते हैं, जो कि आप देख सकते हैं डॉक्टर ममता जोशी को।